वर्नियर कैलिपर्स क्या है कि इसके अंदर आपके दो कंपोनेंट हैं, एक ये जो मेन स्केल आप देख रहे हैं जिसमें ये 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरीके से मार्क लगे हुए, ये आपका नॉर्मल स्केल है, राइट। और दूसरा जो है उसको वर्नियर स्केल बोलते हैं, जैसे कि आप ये यहाँ पर मार्क्स देख रहे हैं तो ये वर्नियर स्केल है, ये जो मूविंग फ्रेम है इस पर ये मार्क लगे हुए हैं, तो ये इस तरीके से चलता है। कोई भी चीज़ जब आप इसके अंदर रखेंगे इस तरीके से तो ये उसका मेजरमेंट करेगा उसके आउटर सरफेस का, राइट। तो इस तरीके से जैसे अभी आप ये देख रहे हैं कि मैं ये फिंगर रख चुका हूँ इसके बीच में, तो ये इस फिंगर का जो डायमीटर होगा वो कितना होगा, तो उसको मेजर करने के लिए हम लोग एक्यूरेटली ये वर्नियर कैलिपर्स यूज करते हैं। मेरे पास में ये एक सैंपल है, तो यहाँ आप जो इस सैंपल को देख रहे हैं, तो ये यहाँ इससे पहले बता दूँ कि ये जो पैटर्न है इसको रिब्स बोलते हैं, और इन रिब्स की वजह से ही जो कंक्रीट है वो इसकी पकड़ में आती है, जो आपका स्टील रीबार है। तो यहाँ दो पॉइंट यहाँ बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आपको चाहूँगा कि आपके नोटिस में भी आए, कि एक तो ये हॉरिजेंटल लाइन ये तो आपको सभी में मिलेगी, दूसरा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है यहाँ मैं शेयर करना चाह रहा था जो आपके साथ में, ये रिब्स का पैटर्न है जो आप ये देख रहे हैं, ये रिब्स हैं, इनको रिब्स बोलते हैं, और इनके बीच में एक हॉरिजेंटल लाइन है इस तरीके से, ये हॉरिजेंटल लाइन है। तो पहले तो ये है कि डायमीटर हम लोगों को मेजर करना है, उसके बाद में मैं फिर इन रिब्स का आपको बताऊंगा कि रोल क्या आएगा। तो डायमीटर एक्चुअली यहाँ तो मेरे पास में ये छोटा सैंपल है, पीस जो लिया हुआ है मैंने, तो इसको मैं दो या तीन डिफरेंट पॉइंट पर मेजर कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास में जो है अभी एक वर्नियर कैलिपर है, तो इसकी 0 0 सेट करके मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये 0 0 सेट कर दिया है, जो ये मूविंग स्केल है, और एक जो फिक्स पीछे की साइड में जो मूविंग है उसको वर्नियर स्केल बोलते हैं, और जो पीछे की साइड में जहाँ 0 1 2 लिखा है उसको मेन स्केल बोलते हैं। 0 से लेके 1 के बीच का ये फिर मैं आपको बता दूँ 10 डिवीजन है, और एक जो डिवीजन है उसको 1 mm का बोलते हैं। अगर ये पहली 0 जो वर्नियर कैलिपर का ये पहला निशान जहाँ पर भी पड़ेगा मेन स्केल पे वो रीडिंग होगी। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हैं तो ये जो स्टील रीबार है ये 16 mm का है, तो मैं इसको 16 mm का है, और यहाँ दूसरी जगह भी इस तरीके से आप एक इसका मेजरमेंट ले सकते हैं। ये भी 16 mm का है। तो इस तरीके से जब भी आप स्टील रीबार परचेज करते हैं तो आप, क्योंकि वो 40 फीट का होगा, तो 40 फीट का आप इसको डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर आप इसको मेजर कर सकते हैं। राइट। तो इस वीडियो में तो केवल इतना पर्पज था कि मेरे पास कुछ सैंपल थे वो डिफरेंट डिफरेंट डायामीटर के, तो मैं आपको बता दूं कि ये आप देख सकते हैं 16 mm का है। तो 16 mm में आप ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ ये 2 है और ये 5 है, तो 15 तो यहाँ तक mm हो चुके हैं, और उसके बाद में ये जो डिवीजन है वर्नियर स्केल का ये यहाँ 6 नंबर को टच करता है, तो ये 16 mm का आपका रीबार हुआ, राइट। इस तरीके से आप इसको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर इसको यूज कर सकते हैं, और ऐसे इसको आप मेजरमेंट ले सकते हैं। तो 16 mm का ये रहा, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो का जो पार्ट रहेगा और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, वो ये रहेगा कि जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं स्टील रीबार की उनमें, और ये जो सैंपल मेरे पास में है इसमें जो ये रिब्स पैटर्न है इस क्या डिफरेंस है, और इनकी जो क्वालिटी है वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरे जो स्टील रीबार है उससे डिफरेंट होगी। इसका जो सेकंड पार्ट रहेगा वीडियो का, नेक्स्ट वीडियो होगा, इसमें मैं नहीं कर पाऊंगा। तो आप जैसे देख पा रहे हैं कि यहाँ ये मार्क लगा है कंपनी का SRMB, और ये 500 एक्चुअली TMT रीबार है। तो ये जैसे आप देख पा रहे हैं कि अगर कोई, मैं दूसरी कंपनी का अभी सैंपल भी आपको दिखाऊंगा, तो वो क्या करते हैं कि
कि अगर उनका मार्क है, उनका पूरी कंपनी का जो मार्क का होगा वो पूरा इसको कवर करेगा और वहाँ पर रिब्स नहीं दिखाई पड़ेंगे, तो उतने पोर्शन में जो है आपका वो रिब्स जो है वो स्किप कर देंगे। लेकिन यहाँ इसमें मैं देख पा रहा हूँ कि जो SRMB लिखा हुआ है, ये रिब्स के बीच में जो प्लेस था उसके लिए उसमें यहाँ पर ये यूज हुआ है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी यहाँ जैसे आप देख पा रहे हैं, तो उसने क्या किया है कि ये SRMB उसी वे में यूज हो रहा है। तो ये टेक्निकल पॉइंट्स हैं कुछ, और इन जनरल तो हम लोगों को नहीं पता लगता, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन में मैं अभी देख रहा था जब इनको कंपेयर कर रहा था, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब ग्रिप नेगी दूसरे इसके साथ में जो स्टील रीबार होगा, तो ये ऐसे मतलब अपनी जगह से शिफ्ट नहीं होगा, राइट। तो एक वो है, लेकिन ये वीडियो का तीसरा पार्ट है, तो मैं उसको तभी आपके साथ में शेयर करूंगा। इस पॉइंट पे तो मेरा केवल इतना ही था कि मैं आपको ये भी बता दूं कि जो अच्छी क्वालिटी के सैंपल्स हैं, जो रीबार्स हैं, तो इनके जो डायामीटर हैं, प्रिपरेशन जब इनका हुआ है तो उसमें इनका जो डायामीटर है वो यूनिफॉर्म रहा है, लेकिन जो लो क्वालिटी का है तो उसमें वो डायामीटर, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये पोर्शन भी चेंज होगा। तो यहाँ इसकी आप सैंपल से फिनिशिंग को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, और ये जो टाटा टिस्कोन और भिलाई, ये आप जो देखते हैं सेल जिसका नाम है, तो उनके सरिये की जो क्वालिटी है और उनकी जो आउटपुट है आप देख पाएंगे अपने आप से ही, वो टोटली डिफरेंट है। तो अभी आप इनकी फिनिशिंग और ये सब देख सकते हैं, तो फिनिशिंग यूनिफॉर्म है, दैट मीन्स जो क्वालिटी है दैट इज़ गुड। अगर फिनिशिंग उनकी अच्छी नहीं है, राइट, जैसे अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए जो मैं सजेस्ट करता हूँ, इसलिए ये तीन चार कंपनी ही आई हैव ऑब्जर्व कि उनको उनका मुझको अच्छा लगा है, राइट। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, आप अपने कमेंट करके बताइए कि आपने इसमें क्या पॉइंट ऑब्जर्व किया, और जो मैं पॉइंट आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ उस पॉइंट पे अगर आपका कोई डाउट या कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।